गाइस, दिस जॉन चाकी और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लंडा कहाँ से आता है। जो हम लोग बाहर लोग रहते हैं, हम लोग यहाँ पे ज़्यादा मोचियों के पास नहीं जाते, टेलर्स के पास नहीं जाते, थोड़ा सा कपड़े वगैरह यूज़ करते हैं, शूज़ वगैरह यूज़ करते हैं और उसके बाद हम लोग इसको एक बॉक्स होता है जिसे हम चैरिटी बॉक्स कहते हैं, उसमें हम डाल देते हैं। तो जैसे मैं आपको अभी दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पास पड़े हैं, अभी मैं इनको सबको डालूंगा। देखें, बिल्कुल ऐसे शूज़ हैं कि मतलब रिपेयर नहीं हो सकते और वैसे भी इतना अरसे यूज़ नहीं किए मैं। तो हम ये शर्ट जो है ये इस ब्लैक बैग में मैं डाल रहा हूँ, तो आप देखते जाइए गाइस। कंट्रीज़ में लंडा जो है वो सप्लाई होता है, हम लोग यहाँ से छोटे छोटे चीज़ें जो हैं वो क्या कहते हैं भेज देते हैं दूसरे कंट्रीज़ में। लाइक यहाँ पे मोची वगैरह अवेलेबल नहीं है, दर्जी हैं बट कोई किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अगर शर्ट वगैरह फट जाए तो रिपेयर करा ले, तो कोशिश सभी यही करते हैं कि नए कपड़े ख़रीदें और थोड़ा यहाँ पर कपड़े थोड़े अरसे यूज़ करते हैं लोग। और जैसे कि मैंने अभी एक बड़ा सा बैग बनाया, आप लोग देखेंगे, मैं अभी उसे दिखाऊंगा चैरिटी बॉक्स कहाँ होता है। तो चैरिटी बॉक्स है, आप देख सकते हैं ये रहा चैरिटी बॉक्स। तो ये उसके साथ ही गाड़ी रोक लेता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा सकूँ। तो ये रहा चैरिटी बॉक्स गाइस, आप देख सकते हैं ये रहा चैरिटी बॉक्स। एक तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, गाड़ी अनलोड कर दूँगा। ओके गाइस, सो देख सकते हैं इतना बड़ा बैग मैंने बनाया था जो कि अभी मैं थ्रो करने जा रहा हूँ अंदर। सो ज़्यादा सामान भी नहीं रख सकते हैं बिकॉज़ हम लोग प्रदेश में हैं, तो प्रदेश में इतना ज़्यादा सामान वैसे भी कोई मतलब आई डोंट थिंक सो कि कोई मायने रखता है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़्यादा सामान भी नहीं रखते हैं। एवरी मंथ हम लोग दो तीन शर्ट्स जो है वो बाय कर लेते हैं और जो पुरानी शर्टें होती हैं जैसे तीन मंथ की वो फेंक देते हैं। तो मैंने अभी ये चीज़ें फेंकी हैं, ये फिर यहाँ से पाकिस्तान, सोमालिया और दूसरे कंट्रीज़ में जाएगी गाइस, फिर इनसे पैसे मिलेंगे, ये जो पैसे मिलेंगे ये उन्हीं बच्चों पे लगाए जाएंगे जो यतीम हैं, जैसे गरीब बच्चे हो गए या गुमशुदा बच्चे हो गए या जो भी ट्रस्ट इन बच्चों को चला रहा है। इसके अलावा ये कुछ शादियाँ भी करवाते हैं, मतलब जो जो गरीब औरतें ख़वातीन होती हैं उनकी शादियाँ वगैरह करवाते हैं, तो उसमें जो भी पैसा होता है वो ये ट्रस्ट वाले देते हैं। वो पैसा ट्रस्ट का कहाँ से आता है, यहीं से आता है। इसके अलावा इनके बैंक अकाउंट नंबर भी आपने देखा होगा तो वो बॉक्सेस पर लिखे होते हैं। जैसे कुछ लोगों के पास ज़्यादा पैसा है तो वो क्या करते हैं, वो अपने अकाउंट से जो है वो पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं या डोनेट कर देते हैं, जिसकी वजह से ये लोग शादियाँ करवा सकते हैं, जिसकी वजह से लोग अगर कोई बीमार है, जैसे कुछ ट्रस्ट होते हैं वो सिर्फ कैंसर को डील करते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप कौन से जो है चैरिटी बॉक्स को, आप देख सकते हैं एक और, आप देख सकते हैं एक और बॉक्स लगा हुआ रहते हैं। और पाकिस्तान में एक और बड़ी पुरानी मिथ है कि मैं अक्सर सुनता था कि ये जो लंडा है ये मरे हुए लोगों का होता है, जैसे कोई अंग्रेज़ मर गया तो उसका जो बकाया चीज़ें हैं वो लोग लंडे में बेच देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है गाइस। तो वो लोग ट्रस्ट में जो है वो चीज़ें बेच देते हैं। अगर आप कभी एलबी बाज़ार जाएँ तो कभी काफ़ी दफ़ा देखेंगे आप न्यू चीज़ें होती हैं,
तो वो क्या होता है कि या वो एक्सरसाइज करते हैं वो मोटी हो जाते हैं, या वो एक्सरसाइज करके मतलब इतने सुपर जाते हैं तो वो चीज़ें वेस्ट में जा रही होती हैं, तो वो क्या लोंडा में मतलब इस तरह ड्रेस बॉक्स में दे देते हैं।